आई एम मोनिका एंड आज आप मेरे साथ ये देखने वाले हैं कि आप अपनी साइंस प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज हम जो आपके पास टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, हाउ टू एस योर साइंस पोर्शन ऑफ सीडीएस। तो जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या जिसने भी आपके पास ये एग्जाम जो एस्पायरेंट्स हैं सीडीएस के लिए, तो इसको ध्यान से मेरे साथ देखना, आप समझोगे कि कैसे आप साइंस पोर्शन को यानी कि केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी पोर्शन को आप कैसे बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे सिलेबस से। फिजिक्स में आपके पास सिलेबस जो है बिल्कुल आपके पास आधे से ज्यादा सिलेबस जो भी आपका मिलेगा वो 10th स्टैंडर्ड तक का ही होता है। कुछ एक क्वेश्चन कभी उनको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना हो तो आपके पास हो सकता है कि कुछ 11th 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ ले। ठीक है, बट अदरवाइज कि आपको अगर ये देखना है कि 100% में से साइंस का कितना पोर्शन 10th तक का आप कर सकते हो क्लियर, तो बिलीव मी 80 to 90% आप 10th लेवल का ही पढ़ोगे, देन यू कैन स्कोर वेरी गुड इन साइंस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मेजरमेंट एंड मोशन आपका 9th चैप्टर होता है क्लास 9th का, फिर लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, वर्क एनर्जी एंड पावर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, साउंड, ऑसिलेशन, हीट एंड थर्मोडायनामिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट, मॉडर्न फिजिक्स एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें से आप देखोगे मोस्टली चैप्टर जो मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ के या फिर आप एक आधा मैग्नेटिज्म का पार्ट छोड़ दो, बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके किसके हैं, 9th 10th की साइंस से उठाए गए हैं। बिल्कुल एज इट इज चैप्टर भी अगर आप रीड कर लेते हो तो आपके पास बहुत बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी सेम गोज विद केमिस्ट्री टू, इसमें भी अगर आप 9th 10th क्लास की अगर एनसीईआरटी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको बिल्कुल हेड स्टार्ट मिल जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि कितना साइंस का पोर्शन आप अटेम्प्ट कर पाओगे एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू करने के बाद। देखिए क्या क्या इसमें, मेटल एंड इट्स कॉम्पोजिशन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी थोड़ा सा आपके पास थियोरिटिकल चैप्टर हो जाता है, वैसे ही एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी हो जाता है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा है कि आपको पता है कि मैंने 9th 10th की जो साइंस है बहुत अच्छे से कर रखी है, तो फिर आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ साइंस पोर्शन आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, उससे आपको ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, बायोलॉजी में भी देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल एंड इट्स डिवीजन, काफी क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये एक पार्ट है जिसको आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम 10th लेवल या 9th लेवल। इवोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, टिश्यू, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड डिजीजेस, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से काफी बार एक आधा क्वेश्चन तो पक्का आपको मिलेगा। फूड प्रोडक्शन यानी कि फूड चेन वगैरह, अगेन ये लास्ट वाला टॉपिक, इसका भी थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा चला जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके अलावा जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देख रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रीसेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, जो साइंस से रिलेटेड हो, जैसे कि नासा में कोई रिसर्च हुई है रीसेंट या फिर कोई टेलीस्कोप आपके पास बना है, ऐसे आपके पास नए नए जो क्वेश्चन टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं वो आपसे पूछे जा चुके हैं और हर बार पूछते हैं, तो साइंस रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर्स है उनसे आपको गो थ्रू होते रहना है ताकि आप इन क्वेश्चन को आंसर कर पाओ। ठीक है, तो ये लास्ट उसी का ही है, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी, न्यूक्लियर साइंस, जो भी रीसेंट आपके पास डेवलपमेंट इसमें हुई होगी या जो भी आपके पास इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू स्टैटिक हो या फिर करंट हो उससे आपको गो थ्रू रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि कितना पोर्शन आता है फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। देखिए लगभग आपके पास 30 क्वेश्चन तक रहती है, टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस साइड। ठीक है, अब इसमें से कभी कभी ऐसे करते हैं कि 11 फिजिक्स के ले लिए, 9 केमिस्ट्री के ले लिए, 8 बायो के, तो कुछ ऐसे ही चलता रहता है, तो 10 लगभग 10 होते हैं तीनों के, पर किसी पोर्शन को कभी उन्होंने एक आधा क्वेश्चन जो मिक्स हो गया फिजिक्स और बायोलॉजी का, कोई ऐसे हाइब्रिड क्वेश्चन टाइप आ गया, तो आप मान सकते हैं कि 10 ईच और 30 क्वेश्चन ओवरऑल साइंस के आपको देखने को मिलते हैं सीडीएस के एग्जाम्स। ठीक है, जीएस पोर्शन में। नेक्स्ट आपको अब
एनालिसिस के बाद या जितना भी अभी एक्सपीरियंस करने के बाद बच्चों के पेपर, उनके एग्जाम्स जो होते हैं, जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आई थिंक साइंस को आपको जब अगर अच्छे से पोर्शन को एस करना है तो उसके 3 steps आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। पहला स्टेप, रिवाइज एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th and 10th। अभी आपके पास टाइम है, आप अभी बिल्कुल ही यहां से स्टार्ट करो, जहां पे अगर आपको लग रहा है कि आपकी फिनिशिंग नहीं है उन चैप्टर्स की, उनको गो थ्रू करो। 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी चैप्टर्स आपके पास दे रखे हैं क्लास 9th और 10th में, 80-85% आपका पक्का उधर से ही हो जाएगा कि क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से उसे एक बार गो थ्रू कर लिया और आपकी पहले से नॉलेज अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप अच्छे से बेशक से उसके जो बाकी के टॉपिक्स हैं उसको आप थोड़ी देर के लिए भी छोड़ सकते हो कि मैं और सब्जेक्ट्स को फोकस कर ले, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपके पास है कि आपको क्या करनी है, क्लास 9th और क्लास 10th के एनसीईआरटी जो भी कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं उन सबसे गो थ्रू होना है, ठीक है। आपके पास इवन मैं आपको बताऊंगी जो एनसीईआरटी कॉर्नर के जो आपके पास क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, 4-5 MCQ स्टार्टिंग में दे रखे होते हैं, वो भी एज इट इज उठ के आपके पास CDS के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, एनालिसिस करना है आपने, पास्ट ईयर पेपर्स को उठाओ, उसका एनालिसिस करो कि किस किस टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फिर उन टॉपिक्स रिलेटेड करके आप और ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। एनसीईआरटी तो करनी है, पर एनसीईआरटी में आपके पास अगर क्लास 9th और 10th की है, मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको ये लगेगा कि क्यों गो थ्रू करना है, वो आपको ऑलरेडी मेमोरी में, तो इन क्वेश्चंस को देख के आपको श्योरिटी आ जाएगी कि कौन से टॉपिक मुझे अच्छे से रिवाइज करने हैं। ये कुछ मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करे हैं टॉपिक पास्ट ईयर के, 3-4 जो भी आपके पास रीसेंट पेपर है उसमें से भी और बाकी के भी जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसमें से भी, तो ये कुछ टॉपिक है इसमें से बार बार रिपीटेडली आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स के टॉपिक हो, ऑप्टिक्स के सिंपल लेंसेज और मिरर्स के क्वेश्चन, फिर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस कि वो लेंथ पे कैसे प्रोपोर्शनल है, एरिया पे कैसे प्रोपोर्शनल है, डिवाइसेस, अमीटर, मोटर और जनरेटर, इन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कुछ आपके पास टॉपिक मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं, कुछ आप भी अपने आप जब पेपर देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि किस टाइप के साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। हाईलाइट देम, साइंस का टॉपिक अगर आप उठा रहे हैं, बिलीव मी अगर आप इसको साइंस का करोगे 30 क्वेश्चन तो आप बहुत इजिली कर सकते हो, पर एक टेक्निक के साथ, उसे पहले आपको एनालिसिस करना चाहिए पेपर का और फिर देखना चाहिए कि एनसीईआरटी से मेरे टॉपिक ये उठ रहे हैं तो मैं इसको रिवाइज करूं। उसके बाद जो भी टॉपिक आपके पास वो बायोटेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, जो आपके पास रेस्ट क्वेश्चंस रह गए वो क्वेश्चंस की हेल्प से ही आप आसपास के टॉपिक्स को कर सकते हो रिवाइज, ठीक है। ऐसे केमिस्ट्री में भी बिल्कुल एज इट इज चैप्टर्स में से क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, मिथेनोइक एसिड किसके आपके पास क्या यूज होता है, किस किस स्ट्रिंग में, आयन स्ट्रिंग में, एंड स्ट्रिंग में कौन से वाला एसिड होता है, ऐसे कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में से भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आए हुए हैं, और केमिकल कंपाउंड्स कुछ आपके पास, टिंक्चर ऑफ आयोडीन इसका मतलब क्या है। बिलीव मी एनसीईआरटी आपके पास बहुत होती है केमिस्ट्री के लिए भी, एक आधा टॉपिक छोड़ के, जैसे कि अभी हमने देखा था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह को छोड़ के, अदरवाइज आपके पास एज इट इज जो भी चैप्टर्स हैं उसको आप रीड कर लेते हो, ये मेन मेन चैप्टर्स भी अगर आप रीड कर लेते हो तो काफी बार इनमें से रिपीट होके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बायोलॉजी में भी प्लांट सेल्स और मेम्ब्रेन से काफी बार क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस का सिंपल सी प्रोसेस पे आपके पास क्वेश्चन पूछ रखा है, और डेफिशिएंसी डिजीजेस मस्ट है, इनको आपको वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीजेस, किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस होते हैं वो, ह्यूमन की फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, ये जो भी आपके पास लाइफ प्रोसेसेस जिसमें आपके पास ह्यूमन रिलेटेड जो भी डाटा दे रखा है या इंफॉर्मेशन दे रखे है उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर सेल्स एंड टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कि ये कौन से वाले ग्रुप के बिलोंग करते हैं, स्टारफिश और ये आपके पास एकिनोडर्मेटा एंड एवरीथिंग, उससे भी आपसे पास क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये भी कुछ टॉपिक है, कुछ आई विल से कि आपको क्या करना चाहिए, खुद एनालाइज करो, पेपर देखो, देखो मेरा कौन सा पोर्शन स्ट्रांग नहीं है और उसको स्ट्रांग करने के लिए मैं कौन सा एनसीईआरटी का चैप्टर पहले मुझे गो थ्रू करना चाहिए, और फिर उनके बेसिस पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है। और यही इसी से हमारा होता है लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप, अगैन अगर आपके पास एनसीईआरटी हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स,
आपको करना क्या है, जो एनालिसिस अभी आपने करा है और आपके पास क्वेश्चंस के अभी भी उसमें लग रहा है कि नहीं इसमें तो और क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको कोई स्टैंडर्ड बुक लेनी है। अब उस स्टैंडर्ड बुक में आप कुछ भी ले सकते हो। आजकल आपको पता है कि एमसीक्यू वाले बुक्स सीबीएसई की आती है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो, और पाथफाइंडर आती है सीडीएस की, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। या अगर अगर खुद की टर्म्स में सेल्फ स्टडी करनी है, आप किसी और साइट से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन टॉपिक बेस देख सकते हो एमसीक्यू, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पोर्शन आपका तब वैलिड होगा जब आप पहले से इतना हो चुके हो कि आपको पता है कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको क्वेश्चनरी लगानी है, ठीक है। तो पाथफाइंडर इज ऑल्सो अ नाइस बुक, वो भी ले सकते हो आप। अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हो एमसीक्यू, और सीबीएसई की एनसीईआरटी के बेसिस पे या फिर सीबीएसई सैंपल पेपर्स जो आते हैं एमसीक्यू, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल एंड आई होप आपको हेल्प मिली हो। आप इसको दोबारा से पोज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है, और आपको उससे भी हेल्प मिलेगी। और एनसीईआरटी प्लीज मेक श्योर कि आप क्लास 9th और क्लास 10th के सारे एनसीईआरटी टॉपिक्स, मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ग्रेविटेशन, इन जो चैप्टर्स है मेन मेन, उनको गो थ्रू कर लो फर्स्ट, और उसके बाद आप किसी भी बुक से बस उसे ब्रीफली समराइज करके रीड करके एंड देन यू कैन गो विद द क्वेश्चनरी, ओके। सो ये था आज हमारा कि आपको साइंस का पोर्शन कैसे यूज करना है। बाकी की वीडियोस के लिए, बाकी की असिस्टेंस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, बिकॉज लीड एकेडमी आपको पीछे कहीं भी नहीं रहने देगी। डिफेंस एकेडमी है हमारी, और डिफेंस के एग्जाम्स के लिए आपकी जो भी प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए होगी वो हम जरूर करेंगे। उसके लिए आपको एक और, आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना पसंद करूंगी। हमारे पास सीडीएस 2023 का ऑलरेडी एक टारगेटेड बैच अभी प्रोसेस में है, और नेक्स्ट 3 months में भी आपको लास्ट जो पेपर से पहले होगा तब भी आपके पास, हमारे पास वो न्यू बैच भी स्टार्ट होगा। तो उसमें आपके पास डेली 3 hour क्लासेस होती है, बायलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। अगर आप हिंदी से हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। यहाँ पे आपके पास पूरा सपोर्ट रहता है टीचर का सुबह से लेके शाम तक। पीडी क्लासेस आपको दी जाती है ताकि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, और साथ साथ एसएसबी गाइडेंस आपको एन मोमेंट का इंतजार करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी एकेडमी में साथ साथ ही आपके पास एसएसबी गाइडेंस भी दी जाती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों के लिए अगर आपको बेनिफिट उठाना है, अगर आप यहाँ आ सकते हो विद इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, यू कैन कॉन्टेक्ट आर एक्सपर्ट एंड द नंबर इज हियर, ओके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।